हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोड। आज मैं जिस टॉपिक पर ट्रेनिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कब तक करेंगे, मतलब कि आपके पर्सन आपको आपसे कम्युनिकेशन में कब तक आएंगे, वो आपको आपका आपको कम्युनिकेशन वो कब तक करेंगे आपसे, ठीक है। उनके माइंड में आपसे बात करने को लेकर क्या चल रहा है, या आपसे वो बात करना भी चाह रहे हैं, इसमें होप भी है या नहीं, ठीक है। आपका नो कॉन्टैक्ट कब तक ख़त्म होगा। चलें, हमारे वीडियो का टॉपिक है आपका नो कांटेक्ट इस पर्सन के साथ कब तक खत्म होगा, कांटेक्ट होने की होप है या नहीं। लेट्स वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपका नो कॉन्टैक्ट कब तक ख़त्म होगा, पहले देखेंगे ये पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। प्लीज एंड जस्ट एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स के साथ इमोशंस रख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग और ओवर एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को। आपके बारे में सोच रहा है और इमोशंस रखता है, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए एक इसका दिल का एक हिस्सा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है आपके लिए, सॉफ्ट कॉर्नर है इसके पास आपके लिए, ठीक है। देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है। प्लीज़ एंड जस्ट एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरे ब्लॉक सिचुएशन में हैं, इनके पार्टनर इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो व्यूवर्स मेरे ब्लॉक सिचुएशन में हैं, इनके पार्टनर इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको लग बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस तो रख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज बैक एंड फोर्थ एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ के साथ आपको जगल कर रहा है, या तो थर्ड पार्टी के साथ जगल कर रहा है, या तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली के साथ जगल कर रहा है। कुछ ना कुछ हो सकता है जिसके साथ ये पर्सन आपको जगल कर रहा है फिलहाल इस वक्त। आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नज़र आ रही है, मैंने कहा यहाँ पर कंफ्यूज है, जगल कर रहा है ये पर्सन। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, बर्डन सम सिचुएशन है, ये फैसला नहीं कर पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा इस कनेक्शन के लिए। इसको आगे बढ़ आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूसली ये पर्सन सोचे जा रहा है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोचे जा रहा है। इसको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। आपके पर्सन के पास मैरिज मैरिज के लिए ऑप्शंस ओपन है। ये पर्सन इस पर्सन के पास आपके अलावा कोई और भी ऑप्शन है जिसको ये पर्सन सोच रहा है। देखिए मैरिज के लिए दी हाई प्रिस्टेस, ठीक है। यहाँ पे है हेरोफेंट, यहाँ पर इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये हाई प्रिस्ट है, मतलब कि मैरिज के लिए कमिटमेंट के लिए इस पर्सन के पास आपके अलावा ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा इसको करना क्या चाहिए। आपके पार्टनर को देखें, यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स है, इस पर्सन के पास ऑप्शंस है और ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा करना क्या चाहिए। ये पर्सन करेगा क्या, ठीक है। हम देखते हैं स्लो कॉन्टैक्ट में पर्सन करेगा क्या। भाई ये आपके इसलिए कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे आपके पार्टनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको अपने लिए कोई बेस्ट चीज़ चूज करनी है, उनको अपनी ज़िंदगी के लिए बेस्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो वो अपनी ये सारे ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे हुए हैं। आप उनके दिल में एक इमोशनल टच रखते हैं, आपके साथ उनका बाउंड गहरा है, वो ये बात जानते हैं। इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, ये पर्सन इस कनेक्शन में करना क्या चाह रहा है। प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन में नेक्स्ट करना क्या चाह रहे हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन में नेक्स्ट करना क्या चाह रहे हैं, इस नो कॉन्टेक्ट में। ओके, आगे मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। अभी भी आपके कुछ नो कम्युनिकेशन बैक नो कम्युनिकेशन रहेगी, आप लोग का कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये पर्सन मुझे आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ नहीं नज़र आ रहा, ये बैठ कर चीज़ों को बस देखा जा रहा है और एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ड्रीम कर रहा है इसको, इसका ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली, एक इमोशनल रिलेशनशिप जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहता है। ये अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन मेकिंग करेगा। इस बार का जो आपका नो कॉन्टैक्ट है, बहुत सोच समझ कर आप लोग का ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस नो कॉन्टैक्ट में हमेशा इनिशिएट करते थे, लेकिन अब आप इस वक्त करना नहीं चाह रहे। आप थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आप अपने लिए फाइट करना चाह रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी वर्थ के लिए आप फाइट करना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे वो अभी भी अपना ईगो लेकर, अपना स्टबन नेचर लेकर बैठे हैं, एक जिद्दी नेचर, एक अपना ईगो से भरा सब कुछ वो लेकर बैठे हैं। चाहते हैं वो आपके साथ टेन ऑफ कप्स हैं, लेकिन वो कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी मुझे लग रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग की कोल्ड और डिटैच सिचुएशन रहने वाली है, ठीक है।
क्या सोच रहा है ऐसा जो ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ? प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीक गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे मेरे व्यूवर की तरफ? ये पर्सन क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर के बारे में? आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? ऐसा क्या सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे? ये पर्सन जानता है आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे आपको किसी थर्ड पार्टी का थर्ड पार्टी सिचुएशन डिस्क्लोज हो चुकी है। ये पर्सन किसी वजह से, इस वजह से आपकी तरफ आ नहीं रहा, ठीक है? यहाँ पर इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम, वक्त और अपना, यहाँ पर आप इस पर्सन को अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड है और इस पर्सन ने कभी इन्वेस्ट किया नहीं है। मतलब कि इसको पता है इसको बिना इन्वेस्ट करे बहुत कुछ मिल जाता है। ये चाह रहा है सिक्स ऑफ सोर्ड के साथ कम ऑर्डर की तरफ मूव करना, आगे की तरफ बढ़ना। और यहाँ पर ही पर्सन क्लारिफाई नाइन ऑफ कप्स, ये अपनी विश को ग्रांट कर रहा है। मतलब कि सोच रहा है यहाँ पर इसको क्या करना है, ठीक है? आपकी आपको आप इसकी विश हैं या नहीं, आपको इसको मैसेज करना चाहिए या नहीं, ये सही डिसीजन मेकिंग होगी या नहीं, क्योंकि ये अभी अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है। ये आपको टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते का बैलेंस आउट हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी। इस पर्सन की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में कार्मा फेस करा है। डिफेंसिव हो गए आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पार्टनर के ऊपर, ठीक है? न्यू बिगनिंग और यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। बिल्कुल, यहाँ पे कंप्लीटली कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में कोई डिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे। ये जैसे अब आप, जैसे आप समझ चुके हैं आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके लिए सही जगह नहीं थी, या तो ये सही पार्टनर नहीं था जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है? आपको इधर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आपको ये बात बहुत लेट समझ में आई। अगर ये आपको जल्दी समझ में आती आ जाती तो चीज़ें कुछ और होती। यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने में, ट्रांसफॉर्मेशन होने में इसलिए देर लग रही है क्योंकि अब यहाँ पर आप इनिशिएट नहीं कर रहे। पर्सन वेट तो कर रहा है लेकिन आप कोई स्टेप नहीं ले रहे इस पर्सन की तरफ, ठीक है? लेट्स सी, हम देखते हैं क्या ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेगा, और अगर ये करेगा तो आपका पार्टनर कब तक करेगा, ठीक है? आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे तो कब तक करेंगे? ये पर्सन मेरे व्यूवर को अनब्लॉक करके कम्युनिकेशन करेगा। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में आएगा, मतलब कि खुद से कोई एक्शन लेगा, क्योंकि मुझे आपका मूड लग रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर इस बार एक्शन लें और जितना भी उन्होंने मैस क्रिएट करा इसको क्लियर करें, ठीक है? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर इस कनेक्शन में काम करेंगे? मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या आपके पार्टनर इस कनेक्शन में कोई एक्शन लेंगे? फाइव ऑफ कप के साथ मुझे एक लॉस वाली एनर्जी फील हो रही है। एक लॉस, यहाँ पे एक लॉस है, ठीक है? जबरदस्त किस्म का लॉस है इस कनेक्शन में, और ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इसने सब कुछ अपना खो दिया है, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन बेहद कंफ्यूज हो चुका है, इसको नहीं पता। फिर दोबारा वही कार्डनेस, और यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। आपसे जो डिस्टेंस आया है, एक सब कुछ इसका खो जाना, ठीक है? और आपको इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं देख पा रहा। आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और एक ड्राई एनर्जी में देख पा रहा है। आप यहाँ पर सिर्फ क्लैरिटी और ट्रुथ चाहते हैं, किसी तरीके का सच, क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ, सच। क्यों भाई इतनी टेंशन में? हम चेक करते हैं फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, क्योंकि कंफ्यूज है, ब्लॉक करके बैठा हुआ है अपनी एनर्जी को और आपको भी, ठीक है? चाहता बिगनिंग करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन अपनी एनर्जी को जानबूझ के स्टक करके बैठा हुआ है। सर्चिंग कर रहा है और आपको देख रहा है खुश है। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं। क्लारिफाई सेवन ऑफ कप्स, क्या कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर को? कन्फ्यूजन क्या है भाई? भाई कन्फ्यूजन ये है कि हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। क्लैरिटी है आपके लिए, क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर पास में इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं थी। और जब क्लैरिटी, जब तक इस पर्सन को आपके लिए क्लैरिटी मिली, आपने वॉक अवे कर लिया, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल चुके हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ वैंड्स, बर्डन ये है कि बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपके लिए प्यार, लव, कब से मिसिंग एनर्जी, इसके लिए बर्डन बन रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस, हीलिंग करना चाह रहा है, बहुत एक बर्डनसम सिचुएशन है। आपको किस नज़र में देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है? क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट, कोई अपॉलॉजी चाहता है, ये आपको देना चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, बहुत ज़्यादा एक एक पावरफुल पर्सन की तरह देख रहा है। इसको पता है कि आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है? मुझे एक्शन लेने की इस पर्सन की हिम्मत आते हुए नहीं दिखती। मैं आपको ये बता दूँ,
ये पर्सन हिम्मत नहीं ला पा रहा, ये आपको अपने से ज्यादा पावरफुल देख रहा है, ये अपने से ज्यादा अपग्राउंडेड देख रहा है और अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस देख रहा है, मसला ये है इसके साथ। ठीक है, अब कुछ करना भी चाहे तो कर नहीं पा रहा ये पार्टनर आपका। क्या आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे? क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को कॉन्टेक्ट करेंगे? सिक्स वीक्स बाद आपकी कोई बिगनिंग हो सकती है भाई, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों आया, किसी किसी की लकीली सिक्स सिक्स वीक्स सिक्स डेज और वन मंथ। ठीक है, यहाँ पर वन मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का रिकनसाइलेशन हो सकता है, ये पर्सन आपको अपना ओवरफ्लो लव प्रोवाइड करे, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखें। यहाँ पर ये पर्सन देखते हैं, यहाँ पर सिक्स ऑफ सोट क्यों है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोट जगलिंग फेस में है, इसको काम ऑर्डर की तरफ मूव करना है। ठीक है, मून बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी है, इसीलिए डिफेंसिव है, काम ऑर्डर की तरफ चाहता है ये रिश्ता जाए और डिफेंसिव एनर्जी और एक नेगेटिव ड्रामा से बाहर निकले। क्लैरिफाई एस ऑफ कप, छुपा रहा है ये आपसे अपने लिए प्यार, बेहद प्यार करता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, होल्ड बैक कर रहा है, ये आपसे प्यार छुपा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहा है। ठीक है, इसके दिल में एक अनकंडीशनली लव है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इसका लव। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, पहले से ज़्यादा आप अट्रैक्टिव, पहले से ज़्यादा आप अपनी लाइफ में परफेक्ट पर्सन की तरह दिख रहे हैं। ये पर्सन कार्मा फेस कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इसने गलत किया तभी ये कार्मा फेस कर रहा है। आप तो अपनी लाइफ में खुश हैं, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कुछ ना कुछ यहाँ पर इसकी ही गलती रही है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में अपनी विशेष को फुलफिल कर रहे हैं और इस यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन और लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से निकल रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आप अपनी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक काम वाटर और एक पीस को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, टाइमिंग चेक करते हैं, ये पर्सन किस टाइम तक आपको किस टाइम तक आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है और किस तरीके से होगी कम्युनिकेशन, लेट्स सी। इन दो सवालों को देखते हैं फिर हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे, इस रीडिंग को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको कब तक अनब्लॉक कर सकता है और क्या प्रोसेस रहेगा अनब्लॉक करने का? ठीक है, आपके पर्सन आपको कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं और कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से कब तक आ सकती है, प्लीज एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, क्योंकि मुझे लग रहा है आएगी, टाइम ड्यूरेशन भी देखेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे, कब तक अनब्लॉक करेगा ये पर्सन आपको, लेट्स सी। डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, बैलेंस आसानी से नहीं आएगा, इसको इस अपने माइंड की बनाई हुई ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसकी लाइफ में है जो आपकी तरफ आने से रोकता है, कोई कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, कोई ना कोई फैमिली इशू, इसको ऐसा लगता है आप इसके ट्रेडिशनल में फिट नहीं होंगे या फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, जो भी चीज़ें हैं ये अपनी मेंटल जेल से बाहर निकलेगा, कोई मेंटल जेल है। ठीक है, मेंटल ट्रॉमा है इसका, ट्रांसफॉर्म होगा उस दिन, ये आपको एक बैलेंस होगा, मतलब कि उस टाइम तक ये बैलेंस कनेक्शन ज़रूर रहा, ये कहाँ स्टक है, कहाँ मेंटल जेल में स्टक है। क्लैरिफाई एट ऑफ सोल्स टावर, जहाँ पर ये स्टक है वहाँ से एक साइकिल ख़त्म होनी है, बिल्कुल कहीं भी स्टक हो, सर्च स्टॉक आपको कर रहा है और पास्ट को सोच रहा है, इसको पता है पास्ट में आपके साथ फाइट जो भी हुई है बहुत बड़ा हाथ है इस मेंटल ट्रॉमा और मेंटल जेल का। ठीक है, ये जो भी इसकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई भी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं, मतलब कि इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। डेथ, ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहा है, किसी चीज़ की एंडिंग का वेट कर रहा है ये पर्सन, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से जैसे अपोजिट देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हो तो ये पर्सन उधर देख रहा है, ये पर्सन आप इस पर्सन का जहाँ से आने का इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ से नहीं आएगा, ये सडनली आपकी तरफ कोई मैसेज टेक्स्ट आपको अप्रोच कर मिलेगी। ठीक है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं सामने, लेकिन ये कहीं से भी आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको अपॉलॉजी मिलेगी इस पर्सन की तरफ से। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, इस रिश्ते का टाइम चेंज हो रहा है, व्हील चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपको
पीस मिलेगा, यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलेगी, यहाँ पर आपको सब कुछ सेटिंग मिलेगी, ये पर्सन इस रिश्ते का एक वो लेगा, ये अट्रैक्टिव है, इसके अट्रैक्शन इसकी बेहद है आपकी तरफ। कार्मा, कुछ ना कुछ इसने आपसे जो हाइड करा है उस चीज का इसको कार्मा मिल रहा है, ये कार्मा फेस कर रहा है, बहुत द फीलिंग ऑफ लॉस में किसी चीज का ये कार्मा फील कर रहा है। अब देखते हैं कब तक होगा कांटेक्ट, ये पर्सन आपसे कब तक करेगा। हमने देखा ये किस तरीके से आएगा, ये चीज़ों को रिजॉल्व करके रहेगा, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, देखें वहाँ से बाहर निकलेगा तो ये आपकी तरफ आएगा, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेगा, ये अपनी लाइफ की कोई ना कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस और नेगेटिव पैटर्न से बाहर आएगा। कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्लियर कट सोच पा रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की तरफ कब तक आ सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ कब तक आ सकता है, डिवाइन मुझे टाइमिंग बताएं कि ये मेरे व्यूवर के पर्सन कब तक आएंगे। टू वीक्स, वन मंथ, वन मंथ दोबारा आ गया, ठीक है, 2 वीक्स हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 4 डेज हो सकता है, और 1 मंथ, दोबारा 1 मंथ आ गया, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड, आप लोग इस वक्त अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को तवज्जा दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप सेल्फ फोकस हैं तो आपके पार्टनर भी सेल्फ फोकस हैं, ठीक है। स्ट्रक है ये पर्सन आपकी तरफ ही स्ट्रक है, ये आपकी आपसे मूव नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं जा रहा, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, टीम वर्क करना चाहता है ये आपके साथ, और यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहता है, ठीक है। हाई प्रेस्टीज के साथ साइलेंट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कंटिन्यूसली इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन को पता है इसने आपको पास में रिजेक्शन दी, लेकिन इसके पास और भी ऑप्शन है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, ठीक है, होल्ड बैक कर रहा है फिलहाल इस वक्त, लेकिन ये बताएगा आपको 4 डेज बाद, हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे या 4 वीक्स बाद, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको एक इमोशनल पार्टनर की तरह देखता है, इसको और आपको एक डीप बाउंड और एक डीप कनेक्शन है, एक क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को आपके लिए, मैंने पहले भी बोला था एक न्यू बिगनिंग, किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, अकेला है, बहुत ज्यादा सोच रहे पर्सन, वर्गो हो सकता है और फीलिंग ऑफ लॉस है, वर्क हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, ऑलमोस्ट सारे साइन है मेरे पास यहाँ पर, तो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से डिवाइन की एडवाइस और आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, ये आपको अनब्लॉक, ये आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन कम्युनिकेशन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर से। फॉरगिवनेस, ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, ठीक है, माफी मांगना चाहता है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में क्या सोच रहा है इस वक्त। पैशन, बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ रही है, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस मांगेगा, पैशन, इस ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, यहाँ पर मेजर, यहाँ पर कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इनके पार्टनर ने पास में रिजेक्शन दी है, समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। सर्विस, ये पर्सन बीमार हो सकता है, गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस चाहता है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, ग्रीफ में रिलीज करना चाहता है सारी नेगेटिविटी अपने लाइफ से, ठीक है। इम्पेशंस, बहुत एक इम्पेशंस वाली एनर्जी, अब मैं यहाँ पर देखूंगी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, ठीक है। बिटर स्वीट, कुछ रिलीज करना है इस पर्सन ने, इसको रिलीज करना है, कुछ इसके अंदर है, माफी मांगनी है तो माफी मांगेगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसको कुछ पास का रिलीज करना है तो वो रिलीज करना जरूरी है, कहीं से वॉक अवे करना मुझे टैरो से भी दिखेगा, इसको भी यहाँ इधर से भी मुझे एक ही चीज मैसेज मिल रहा है, कुछ रिलीज करना है, कुछ पास का है जो इसको रिलीज करना है, फिर आपकी तरफ ये पर्सन आएगा। डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए फिलहाल इस वक्त, ठीक है, आपके लिए मैसेज डिवाइन की तरफ से क्या है। ग्रेटिट्यूड, आपको यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, ठीक है। इम्पास, खुद को बैलेंस बनाएं और इम्बैलेंस मत होने दें, अबंडेंस, देखिए मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, आपके लिए है कि आपके पास जो है उसका शुक्र अदा करें खुदा से और बैलेंस बनाए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी अबंडेंस को ध्यान दें, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी दुआएं काम कर रही हैं, कुछ आपने दुआ मांगी है जो आपके मिरेकल में तब्दील हो रही है, कुछ आपका मिरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इम्पेशेंस, आप इम्पेशेंस हैं, आप इस जल्द से जल्द आप चाहते हैं चीज़ें सेटलमेंट पे आ जाएं,
विक्टिम, ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा है, एनलाइटमेंट। यहाँ पर आप इनलाइटेंड हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सब कुछ सेट है, आपके सामने हर चीज़ है, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, देख ठीक है। चलिए इस वक्त आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेजेस देना चाहेगा तो। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे? मेरे व्यूवर के पर्सन अगर मेरे व्यूवर को कुछ इस वक्त कहना चाहते तो वो क्या कहते? आपके पर्सन अगर कम्युनिकेशन में होते तो इस वक्त आपसे क्या कहते? ठीक है, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना हर्ट होगा। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है बेहद, ये पर्सन कहना चाहता है मैं नहीं जानता था कि आपको इतना हर्ट होगा। ठीक है, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, ये पर्सन आपके ऊपर पास में ट्रस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, इसने किसी और को चूज इसीलिए भी किया हो, तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ये बात आप भी कहते थे कि ये पर्सन आपसे आप पे ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच, ये मेन प्रॉब्लम रही है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे अपने पार्टनर पे, मैं मजबूर था, ये पर्सन कह रहा है कि मैं मजबूर था, जो आप हर्ट हुए इस पर्सन ने जानबूझकर नहीं किया। ये पर्सन कैंसर हो सकता है, कोई वाटर साइन की एनर्जी हो सकती है यहाँ पर। हम फिर मिलेंगे, ये पर्सन आपसे कहना चाहता है हम फिर मिलेंगे, मतलब कि आपसे कांटेक्ट करेगा, ये क्लैरिफिकेशन हमें यहाँ भी मिल गई। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ये पर्सन कहना चाहता है मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था। ठीक है, तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, ये पर्सन कहना चाहता है कि आप जहाँ भी खुश हैं जैसे भी खुश हैं ये खुश है, ये आपका वेल विशर है। क्या तुम मुझे भूल गई? ये पर्सन आपसे पूछना चाहता है कि आप इसे भूल गए, यहाँ पे टॉरस हो सकता है कोई, और गलती मेरी मेरी थी। ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, टॉरस हो सकता है यहाँ पर कोई। और आप लोग के लिए इतने ही मैसेज थे आज के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पर, तो कम्युनिटी सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे न्यू रील्स आ चुकी हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।